वेलकम टू स्टॉक एनालिसिस आकाश फ्रेंड्स। आज हम करने लगे इन डेप्थ टेक्निकल एनालिसिस HSIL का। आज अच्छे गिरावट हुए स्टॉक में, ऑलमोस्ट 3.56% की गिरावट हुई स्टॉक में। तो देखेंगे क्या ये गिरावट कंटिन्यू रह सकती है और क्या होनी चाहिए स्ट्रेटेजी हमारे इसमें शॉर्ट टर्म और स्विंग ट्रेडिंग के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए। बिल्कुल आपको इसके फंडामेंटल्स देखने होंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। रीजन आपके सामने ऑलरेडी मैंने बना के रखा है, बट स्टिल कुछ और चीज़ें मैं आपको वो एक्सप्लेन करना चाहूँगा आपके साथ, तो वीडियो एंड तक देखना फ्रेंड्स। चलिए करते हैं स्टार्ट। मैं हूँ डेली टाइम फ्रेम में, एक अच्छी पिक्चर देखने के लिए जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम में, देखेंगे क्या स्टोरी चल रही है। देखिए स्टॉक कंटिन्यूसली एक जोन पे ट्रेड कर रहा था, फिर बना कि यू पैटर्न का स्टॉक ने अच्छा मोमेंटम दिया, अगेन कंसोलिडेशन। थोड़ा सा कर लूँ जूम ताकि आपको हो विजिबल। ओके देखिए इतना अच्छा मोमेंटम आया, थोड़ा सा रिट्रेस किया, वापस एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन, वापस एक शार्प अप ट्रेंड मूव और वापस से एक कंसोलिडेशन। देखिए जब भी स्टॉक ऊपर जाता है अप मूव, थोड़ा सा कंसोलिडेशन, अगेन अप मूव, अगेन थोड़ा सा कंसोलिडेशन, ये होना बहुत नॉर्मल है और ये स्टॉक के लिए बहुत पॉजिटिव चीज़ होती है। तो सोफर अगर हम बात करें कि लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ी गिरावट एक्सपेक्टेड है। तो अगेन ये एक पॉजिटिव चीज़ है, नेगेटिव चीज़ नहीं है। चलिए चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। ओके डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा कर दूँ ये रिमूव मैं ड्रॉइंग्स। ओके चलिए डेली टाइम फ्रेम में आपको क्लियर दिख रहा होगा कि यहाँ पे बन रहा है पैटर्न, एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है बन रहा है। गिरावट का रीजन क्या था देखिए फ्रेंड्स, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, स्टॉक कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में, यहाँ पे रिजेक्शन है, यहाँ पे रिजेक्शन है और यहाँ पे भी रिजेक्शन आया है फ्रेंड्स HSIL में। और देखिए यहाँ पे मेन नोट करने वाली चीज क्या थी, देखिए स्टॉक में 3.56% की गिरावट आई, बट एक पॉजिटिव चीज हुई है स्टॉक में, वो थी अगर आप देखेंगे तो लास्ट में अच्छी वीक आई है। देखिए ये रही बॉडी और ये रही वीक, तो लास्ट में अच्छी वीक आई, लास्ट में इसका मतलब लास्ट में बाइंग हुई है स्टॉक में, और अगर स्टॉक कंटिन्यूसली गिरना चाहता है तो हमें लास्ट में बाइंग देखने मिलती। देखिए चलते हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में और क्लियर आपको दिखेगा क्या चल रहा है। ये आ चुके हम 15 मिनट्स टाइम फ्रेम में। ओके देखिए यहाँ पे अभी आपको बहुत अच्छे से सुनिए फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। देखिए जब स्टॉक यहाँ पे आया था लास्ट के 15 मिनट्स में, एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आया है फ्रेंड्स, बहुत अच्छे वॉल्यूम्स है, इसका मतलब लास्ट में हुई है बाइंग। तो नेक्स्ट डे क्या हो सकता है, नेक्स्ट डे हम एक पॉजिटिव मोमेंटम स्टॉक में देख सकते हैं, एक छोटा सा अप ट्रेंड हमें ऊपर देख सकता है, या इन्वर्स के सिनेरियो स्टॉक नीचे आके इस ट्रेंड लाइन को टच कर वापस से अपना एक अपवर्ड जर्नी स्टार्ट कर सकता है। देखिए और एक चीज यहाँ पे नोटिस करने जैसे क्या, ये थी यहाँ पे स्टॉक गिर रहा है और वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहे हैं, इसका मीनिंग क्या होता है देखिए, अगर स्टॉक गिर रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो तो इसे कहते हैं वॉल्यूम के साथ स्टॉक गिरना, और ये होता है नेगेटिव चीज स्टॉक के लिए, इसका मतलब स्टॉक और गिर सकता है। बट अगर स्टॉक गिर रहा है और वॉल्यूम नहीं आ रहे, वॉल्यूम भी लो होते जा रहे, तो इसका मतलब होता है वीक ट्रेंड, तो जो एक डाउनफॉल चल रहा है ये वीक है और एक कभी भी रिवर्स हो सकता है और ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पे वही हुआ है फ्रेंड्स, एक वीक ट्रेंड चल रहा था स्टॉक में, फिर आया एक अप ट्रेंड, अगेन लास्ट 15 मिनट्स में आई है वापस स्टॉक में बाइंग। तो देखिए अगर हम जो सेंटिमेंट की बात करें स्टॉक में, तो हाँ 3.5% की गिरावट आई है स्टॉक में, बट स्टिल एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है, बहुत ही नेगेटिव सेंटिमेंट ऐसा नहीं है स्टॉक में अभी भी, और स्टॉक ट्रेड कर रहा है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में, तो बिल्कुल यहाँ पे सेल नहीं करना चाहिए आपको, बिल्कुल भी होल्ड करके चलिए स्टॉक को, क्योंकि हाँ अगर स्टेट ये अगर स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है और फिर सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में जाए तो एक आपको अपर साइड ही अब एक ब्रेकआउट मिल सकता है, बहुत हाई पॉसिबिलिटी होती है। तो होल्ड करके चलिए, स्टॉप लॉस आपको लगाना है सेफ्टी पर्पस के लिए, तो थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस देना चाहूंगा मैं 292 का, और अगर यहाँ पे हो जाता है ब्रेकआउट तो आपका फर्स्ट टारगेट होने वाला है 347, सेकेंड टारगेट फ्रेंड्स में देने वाला हूँ थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि पैटर्न ही कुछ ऐसे बन रहा है। देखिए ये रही हमारी लाइन, सेकेंड ट्रायंगल स्ट्रेट बन रहा है 423 का फ्रेंड्स, तो कंजर्वेटिव पर्पस के लिए 400 समझ के चलिए, तो सेकेंड टारगेट होने वाला है 400,
इन टारगेट्स के लिए आपको स्टॉप को ट्रेड कर सकते हो। देखिए अगेन मैं समराइज कर दूं, स्टॉप में 3.1 हुई है, बड़ा सम के गिरावट हुई है, बट स्टिल इतनी बियरिशनेस स्टॉक में नहीं है, लास्ट में आई है बाइंग, वॉल्यूम के साथ फॉल नहीं हुआ है स्टॉक, तो आप इसे होल्ड करके चल सकते हो। स्टॉप लॉस मैंने टारगेट्स दे दिए है। तो फ्रेंड्स इस स्टॉक पे मैं और अपडेट्स लाता रहूंगा आगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे, और मैं वीकली कुछ स्विंग ट्रेड्स पे डिस्कस करता हूँ जिसमें आपको मिनिमम 15 to 20% तो मिल ही जाते हैं। सो दैट्स इट फ्रेंड्स फॉर दिस वीडियो, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।